एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं आर्केड पैराडाइज। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने अपनी जो शॉप है, वैसे एक लॉन्ड्री की शॉप है ये, जहाँ पे कपड़े वगैरह हम वॉश करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड अपना एक और बिजनेस है जो कि है आर्केड मशीन्स का, जहाँ पे लोग आते हैं जब तक उनके कपड़े वॉश होते हैं तब तक वो मशीन्स में गेम खेलते हैं और उससे हमें और भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और ये है वो रूम जहाँ पे हमारी जो आर्केड मशीन्स है वो रखी गई है। वैसे रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी जो शॉप है उसको अपग्रेड करेंगे, ठीक है। एक बहुत ही तगड़ा जो रूम है हम वो बनाने वाले हैं गेमिंग के लिए। और देखो ये है वो मशीन जिसको पिछली बार हमने ख़रीदा था, लेकिन अभी कचरा काफ़ी सारा हो गया क्योंकि एक जो डे था ना मैंने वो स्किप कर दिया था। और जैसे हम डे स्किप करते हैं तो अगले दिन भाई पूरी शॉप में कचरा हो जाता है। तो अभी ना जितना भी कचरा मुझे सारा साफ़ करना पड़ेगा। देखो भाई बहुत ही ज़्यादा कचरा है, जुराब कहीं पड़े, कहीं ये बर्गर बुर्गर के भाई डब्बे पड़े हैं, इन सबको ना फटाफट उठा के, न्यूज़पेपर नहीं वो नहीं उठ रहा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको उठा लेते हैं, ठीक है भाई। काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया यार। और कहीं ये भी है, एक नीचे बैग फुल हो चुका है तो फटाफट जाके इसको फेंकना पड़ेगा। और एक चीज़ सही है कि भाई गार्बेज फेंकने पर भी हमें पैसे मिलते हैं, बस इसको ना मुझे बिल्कुल रेड पर जाएगा ना, हाँ तब थ्रो करना है। और देखो जैसे इसको थ्रो करा वैसे मिल गए $30 फ्री के भाई, बस कबाड़ फेंकने के हमें $30 मिल चुके हैं। ऐसे मैं तो सोच रहा हूँ भाई लोग और कबाड़ करें, ठीक है, हम कबाड़ को डम्पस्टर में फेंकते रहे और उससे अपने को ऐसे फ्री में पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन अभी भाई काफ़ी सारे कपड़े आ चुके हैं वॉश के लिए, तो जल्दी से इन सबको डालते हैं वॉशिंग मशीन में, ठीक है। उसके बाद ना एक आर्केड मशीन मैंने आज और ख़रीदनी है, ठीक है। पिछली बार ना हमने एक ही खरीदी थी क्योंकि इतने पैसे अपने पास थे नहीं, लेकिन एक आज हम और ख़रीदेंगे। चलो ये वाले भी कपड़े गए इसमें, और बाकी और कोई कपड़े हैं भाई साहब, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो जाएगी अपने साथ। अब देखो जैसे ही ये कपड़े जाके मैं यहाँ पे रखूँगा ना, पैसे देखना, सिर्फ $5। अब इतने कम इसलिए मिले क्योंकि ये हैं कल के कपड़े और मैं कल का डे स्किप करके और आज आ गया हूँ, तो इसलिए भाई अगर हम लेट कपड़े वॉश करके देते हैं कस्टमर्स को तो उसके काफ़ी कम पैसे मिलते हैं। देख लो सिर्फ $5, वैसे पता नहीं $20-25 हमें मिलते हैं, लेकिन भाई साहब अभी अपना नुकसान हो रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक दिन में ना जितने कपड़े आएंगे वो सारे हम वॉश करके दे देंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कचरा है यार, कचरा काफ़ी सारा हो चुका है, पूरा क्लीन हो चुका है क्या? इधर है, एक मिनट इधर ही पड़ा है, ये न्यूज़पेपर एक और पड़ा, लेकिन मैं इसको उठा नहीं पाऊँगा। टॉयलेट को मैं चेक कर लूँ, ये क्लीन है ना, मैंने पिछली बार ही क्लीन करा था, ठीक है, टॉयलेट इज़ क्लीन, इसको साफ़ करने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी इधर कोई कचरा है नहीं, अब जितना भी कचरा था वो सारा हमने साफ़ कर दिया। ये कपड़े को मैं डाल देता हूँ इस वाले मशीन में, ठीक है। और जैसे अपनी शॉप की रेटिंग बढ़ती रहेगी ना, वैसे अपने पास काफ़ी सारे कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, तो अपने को काफ़ी सारे पैसे भी मिलेंगे। और ये सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं भाई, ये भी पहले के कपड़े हैं यार, मुझे लगा था कि सिर्फ उसी मशीन में पहले से कपड़े पड़े हैं, अब इनसे भी अपने को कम पैसे मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब जितने भी है ना बच्चे को, देखो इसमें कपड़े पड़े हुए हैं, फटाफट से इनको निकाल के जल्दी से सुखा के कस्टमर्स को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आज जितने भी कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, तुरंत ही उनके कपड़े धो के उनको भाई दे देंगे ताकि हमें फिर कम पैसे ना मिले। इसमें भी नहीं, ठीक है, इसमें तो हो रहा है। और बाकी अभी इधर भी अभी कुछ साफ़ करा था मैंने तो इधर का भाई, एक सेकंड, ये क्या है, ठीक है भाई, क्या च्युइंगम चिपका रखे, इसको निकालना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है, निकल जा भाई, ओके चलो निकलेगी। इससे क्या हुआ, हिडन पैकेजेस फाउंड, कितने पैसे मिले शायद से मुझे उससे, $30 कुछ मिले ना भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा सही है यार। और कहीं है क्या, मैं एक बार देख लूँ, क्या पता आसपास और चिपक कर रखा हो भाई, उसको निकाल निकाल के अपने को $20-30 ऐसे ही मिल जाएंगे। और देखो एक मशीन मुझे और ख़रीदनी है क्योंकि सिर्फ एक ही मशीन की जगह अभी बची है, ठीक है। बाकी एक काम करते हैं, ये वाली जो मशीन है ना वो रेड वाली जो नीचे पड़ी हुई है, मैं उसको हिला नहीं सकता यार, उसको मूव नहीं कर सकता मैं। बाकी देखो इधर एक एम्प्टी स्लॉट है, तो यहाँ पे एक आर्केड मशीन और आएगी, बाकी तीनों जगह पे तो पड़ रखी है। ये रेड वाली मैं हिला नहीं पाऊँगा भाई, वो परमानेंट वहीं पे रहेगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी ना जाके कितने पैसे अपने पास, $250 है ना, एक मिनट इधर भी कचरा है यार, $250 है, तो इससे काम करते हैं फटाफट से, मैं एक मशीन खरीदता हूँ, चलते हैं हम यहाँ पे आर्केड मेनिया में। और कितने की है मशीन, ये कहाँ की सारी तो सोल्ड है, ये रही, ये कितने की है भाई साहब, ये तो $500 की है यार, पॉपुलैरिटी है इसकी 160 यार, एक मिनट, और अपने एक मिनट बैलेंस अपना $61 क्यों दिखा रहा है यार, मेरे पास तो $250 कुछ पड़े हैं, बैंक बैलेंस दिखा रहा है अपना $61। एक सेकंड, इसको मुझे अब बाय तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है, इनसफिशिएंट फंड्स है, लेकिन पैसे बैंक में कम दिखा रहा है, एक सेकंड, अच्छा मेरे वॉलेट में है ना वो पैसे, बैंक में पैसे कैसे डिपॉजिट करूँ, एक मिनट भाई साहब, इसको मुझे ये लीव कैसे होता भाई, एक मिनट कंप्यूटर को लीव कैसे करूँ मैं, अबे कपड़े धुल चुके हैं भाई साहब वहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या उससे होना था भाई,
मैं सोचूँ इसको लीव कैसे करूँ, मैं फटाफट चलते हैं यार, अगर लेट होगा ना तो कस्टमर कम पैसे देंगे, उसके बदले ये हो चुके हैं कपड़े धुल चुके हैं, फटाफट से इसको निकालते हैं इस वाली मशीन में से। लेट नहीं करना भाई, लेट करेंगे तो अपना ही नुकसान है, ठीक है, मेहनत हमारी लगेगी और पैसे भी हमें कम ही मिलेंगे अगर हम लेट करेंगे तो। इसमें गए कपड़े बाकी, और इसमें एक और आ चुके बास्केट में, ठीक है, इसको फटाफट से मैं इस वाली मशीन में डाल देता हूँ, और मुझे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे यार। अभी यहाँ पे $250 दिखा रहा है, लेकिन बैंक में मैं पैसे डिपॉजिट कैसे करूँ, मुझे वो एक मिनट, अपने पास एक लॉकर है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें अगर हम पैसे डिपॉजिट करेंगे ना तो आई थिंक वो चल जाएगा हमारे बैंक में, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास तो कोई बैंक है ही नहीं, ठीक है, जहाँ पे मैं अपने पैसे डिपॉजिट कर सकता हूँ। लेकिन भाई कपड़े सारे वॉश हो चुके हैं, तो सबको फटाफट से निकालते हैं, ठीक है, और डाल देते हैं, कौन सी खाली है, ये वाली खाली है, उसमें फटाफट से सारे के सारे जो कपड़े हैं मैं वो डाल देता हूँ। ओके चलो, और कोई बचा है क्या इसमें, ये भी होने वाला, कितने रह गए, 10 सेकंड रह गए, चलो ठीक है 10 सेकंड पड़े, तो इसको भी भाई चल के उसमें डाल देंगे दूसरी मशीन में, और बाकी इनका तो भी टाइम पड़ा है, अभी तो इन सब का भाई 2 मिनट से ऊपर ही टाइम पड़ा है। ये हो गया, ठीक है, ये हो चुका है, इसमें से फटाफट से जो कपड़े हैं उनको निकाल लेते हैं, चलो, और उसके बाद जाके डाल देते हैं इस वाले को भी इस मशीन में वॉश। 1 मिनट, आई थिंक नए कपड़े आए हैं धुलने के लिए, तो उनको भी मुझे डालना पड़ेगा वॉशिंग मशीन में, ठीक है, और ये सब तो अभी इनको होने दो। ओके ड्राई, 1 मिनट, कौन से सूख गए भाई, हाँ ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन से कपड़े सूख चुके हैं, अच्छा ठीक है ये वाले सूख चुके हैं, इसको मैं ये कब के हैं भाई, तो ज़्यादा जल्दी सो गए, 1 मिनट रुको, इसको पैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, सिर्फ $5 यहाँ से भी यार। 1 मिनट, दूसरे कपड़े भी, ये वाले भी सूख चुके हैं, ये पता नहीं कब के कपड़े हैं यार, ये मुझे लग रहा है इन्हें पहले के ही हैं, मुझे लग रहा है ऐसे पहले के कपड़े, देखो सिर्फ $5 मिल रहे हैं भाई। और देखो अभी ना शॉप को ओपन करे हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन भाई कस्टमर्स इतना ज़्यादा कचरा फैला दे रहे हैं ना कि बार बार मुझे कचरा साफ़ करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें अपना फ़ायदा भी है कि अपने को फ्री में पैसे मिल रहे हैं, जैसे इसको फेंका हमने गार्बेज को डंपस्टर में और $30 यहाँ से मिल चुके हैं, और अपनी कोई अचीवमेंट भी अनलॉक हो चुकी है। लेकिन जितने भी कपड़े हैं ना वो भी अभी बस ड्राई होने वाले हैं, ठीक है, 1 मिनट के अंदर सारे के सारे जो कपड़े हैं वो अच्छे से सूख जाएंगे। लेकिन अभी इस लॉकर में मेरे पास जितने भी पैसा पड़ा है ना वो सारा मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। 1 मिनट रुको, एक तो ना इसका लॉक ही समझ नहीं आता भाई, है क्या ये, इस पर भी क्रॉस लग गया। 1 मिनट, और एक बार दोबारा करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे, ठीक है, प्रेस ई, ठीक है, अच्छा ये अनलॉक होता है ऐसे। अब देखो अगर एक बार रह गया ना, वहाँ पर मुझे लग रहा था ना क्रॉस बना रहा है, इसका मतलब वो गलत है, लेकिन अगर मैं एक और बार इसको करता हूँ ना, सही नंबर आ जाए, कौन सा है, थोड़ा सा और, ठीक है, इसको ऐसे करा, देखो अभी हो चुका है अनलॉक, और अभी जितना भी कैश था मेरे पास, ठीक है, वो सारा का सारा जा चुका है उस लॉकर में, लेकिन कपड़े सूख भी चुके हैं, साथ ही साथ कुछ कपड़े आ भी चुके हैं वॉशिंग के लिए, तो उनको भी फटाफट से मुझे वॉश करके कस्टमर्स को देना पड़ेगा। और एक बार मैं देख लूँ कि टोटल बैलेंस अपने बैंक में कितना हो चुका है, $10 मेरे रैंक भी आया यार। 1 मिनट रुको, इसको भी निकालता हूँ, रैंक ऐसा है ना तो हमें आई थिंक $30 कुछ मिलते हैं, इससे देखते हैं क्या रैंक मिलता है हमें, इससे भी रैंक बी, अबे यार कोई तो ढंग का आ जाओ भाई, सब पैसे कम ही मिले जा रहे हैं मुझे बार बार, $500 इकट्ठे करने हैं और अभी वॉलेट में सिर्फ $20 है, और देखो यहाँ पे रैंक ऐसा आया तो अपने को मिले $30, ठीक है, तो हमें जल्दी जल्दी जो कपड़े हैं ना उनको वॉश करके, ठीक है, तो कस्टमर्स को देना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और इसको भी लेकर चलते हैं, इसको भी रखते हैं फटाफट से इस टेबल पर, और इससे $5 भाई साहब, थोड़ा सा हमने लेट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे हमने धो के दे दिए, और इधर भी जितने भी कपड़े हैं वो भी वॉश हो चुके हैं, तो इसको निकालते हैं मशीन में से, और उसके बाद डाल देते हैं इस वाली दूसरी मशीन में, ठीक है, फटाफट हमें काम करना पड़ेगा। और पाउंस एक बार ना मुझे जाके अपने पीसी में चेक करना पड़ेगा कि आखिरकार अपने बैंक में कितने पैसे भी हो चुके हैं। ओके, इसको निकालते हैं और इसको भी डालते हैं फटाफट से इस वाली मशीन में, चलो ये भी हो गया। ओके, और अभी 2 कपड़े और आ चुके, तो इनको उठा उठा के फटाफट से हमें वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा, और जल्दी से ना काफ़ी सारा पैसे इकट्ठा करके अपनी जो शॉप है ना उसको हम अपग्रेड कर देंगे, ठीक है, अभी काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो अभी लॉक्ड है, ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे वो जो ऑप्शंस है वो भी अनलॉक होंगे, बस हमें काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। एक बार चलते हैं और इसमें देखें कितना, $55 मैं और डिपॉजिट कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है, अपने पास कितना हो चुका है, 351, ओके 351, यानी कि हमें $149 और इकट्ठे करने हैं, ठीक है, तब अपने पास $500 हो जाएंगे, और फिर हम एक और जो आर्केड मशीन है उसको बाय कर लेंगे, और 55 अपने पास तो पड़े हैं, ठीक है, 100 से भी कम डॉलर हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, हम इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन एक काम करता हूँ, अभी जो अपनी मशीन्स है ना उनका जो प्राइस है ना मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अभी मैंने काफ़ी कम कर रखा है। एक बार चलते हैं यहाँ पे रेसर वाली में, ठीक है, और इनका प्राइस बढ़ाते हैं हम यहाँ से मशीन सेटिंग में, प्राइस पर प्ले डिफ़िकल्टी तो हम एक काम करते हैं, नहीं यार मीडियम ही रहने देता हूँ, क्या पता हार्ड कर दूँ और बंदे गेम ही ना खेलने आए।
एक सेकंड भाई, $1.5 से ऊपर नहीं जा रहा यार। एक मिनट, ये वाली मशीन का देखते हैं इसमें कितना प्राइस आएगा। 1.5 करते हैं इसको भाई। $1.5 से किसी का भी प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। इस वाली का भी चेक कर लेते हैं, 0.5 सेट है ना, इसको भी करते हैं 1.5। अचीवमेंट अनलॉक हो चुकी है अपनी कोई, और इसको भी कर देते हैं हम 1.5। चलो कोई बात नहीं यार, एक जब एक बंदा खेलेगा ना तो उस समय $1.5 मिलेंगे। और देखो एक ये भी गेम है लामा वाली, लेकिन एक मिनट भाई, इससे फ़ायदा क्या हुआ खेलने से? ये टाइम पास के लिए, तो हमें टाइम पास करना नहीं है भाई, हमें काफ़ी सारा पैसा कमाना है। और अभी ये वाले जो कपड़े हैं ठीक है, वो अभी सूख रहे हैं और 2 मिनट लगेगा अभी अपने को, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तब तक एक काम करते हैं, मैं इनमें से भी तो पैसे निकाल सकता हूँ ना यार। मैं यहाँ से पैसे निकालने ही भूल गया था, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं गेम खेलते हैं, लेकिन मैं भूल ही गया था कि पैसे हमें यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से भी निकालता हूँ $30, ठीक है $128 अपने पास हो चुके हैं, नाइस। और अब जो मशीन है, आर्केड मशीन है, मैं उसको बाय कर सकता हूँ। ठीक है फटाफट से चलते हैं, और जल्दी से एक सेकंड, अच्छा मुझे पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, ठीक है मुझे लॉकर में डालने पड़ेंगे पैसे। लेकिन उससे पहले एक काम करा जाए, मैं देख लूँ भाई कोई कपड़े कुपड़े तो नहीं सोचेगा ना, कहीं टाइमिंग लेट हो जाए और उसके बाद भाई हमें पैसे कम मिलेंगे, तो इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और देखो यहाँ पे मुझे एक और जो च्युइंगम है वो नज़र आ रही है, तो इसको भी मैं निकालता हूँ, ठीक है इससे भी अपने को पैसे मिल जाएंगे भाई। अलग अलग सिस्टम है इसमें भी यार, यहाँ पे करते हैं। एक मिनट यार, थोड़ा सा और ऊपर जाने देना चाहिए था मुझे बाहर को। ओके और ये निकल चुका है, और इसमें से कितने मिले हमें? $20, नाइस, बहुत सही भाई। और कहीं है क्या यार? एक बार मैं आसपास देख लूँ, क्या पता भाई ऐसे 2-3 और मिल जाए तो फ्री के $40-50 आराम से मिल जाएंगे हमें। अच्छे से चेक करना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर नहीं, इधर भी नहीं। यहाँ पे होता ना चेयर्स के साइड में होता ज़्यादा, क्योंकि कस्टमर ज़्यादातर चेयर पे बैठते हैं ना, तो भाई मुँह से निकाली सीधा चेयर के नीचे चिपका दी, लेकिन वहाँ पे है नहीं। और अभी कपड़े अपने जो सूखने वाले हैं, 20 सेकंड रह गए हैं, साथ ही साथ इधर भी 20-25 सेकंड रह गए हैं, तो फटाफट से एक बार ना इनको दे देते हैं कस्टमर्स को, ठीक है उसके बाद चल के जो अपनी आर्केड मशीन है हम उसको बाय करेंगे। और ये कपड़े जो हैं वो अच्छे से सूख चुके हैं, तो फटाफट से इनको निकाल लेते हैं इस वाली मशीन में से। और ये तो भाई काफ़ी जल्दी हमने कर दिया, तो इससे हमें पैसे मिलने चाहिए अच्छे खासे। क्यों भाई सिर्फ $5 क्यों मिले यार? वो कपड़े पहले क्या थे क्या? मुझे ऐसा लग रहा है तभी अच्छा उस वॉशिंग मशीन में से निकाले थे ना, वो पहले के पड़े थे। देखो ये वाले अब बिल्कुल अभी अभी आए होंगे कपड़े, ठीक है हमने फटाफट धो के दे दिए, तो उससे हमें $30 मिले। और अभी इसको डालते हैं हम इस वाले में अंदर। एक मिनट, पैसे कितने हो गए भाई अपने पास? पैसे आई थिंक ज़्यादा हो गए, 242 अपने वॉलेट में भी हो चुके हैं, और अपने को लगभग $100 कुछ चाहिए थे, 100 से भी कम। चलो हम एक आर्केड मशीन, एक नहीं, हाँ यार एक ही बची है, वो मैं सोच रहा था थोड़ी ज़्यादा मंगाऊंगा, वैसे भी अपने रूम में ज़्यादा तो जगह है नहीं, हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन ये फटाफट चला जाए, और जल्दी से हम करते हैं बाय। एक मिनट, 351 यार, इसमें मैं वो करना भूल ही गया, फटाफट मुझे इसको इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, और दोबारा से ये जो लॉकर है उसको खोलना पड़ेगा। ओके प्रेस ई, ठीक है उसके बाद दोबारा से करते हैं इसको रोटेट, थोड़ा सा और यहाँ पे भी करा इसको, ठीक है 2 ओपन हो चुके हैं, बस तीसरा लॉक को मुझे करना है। इधर इधर और थोड़ा सा और, चलो ये भी हो चुका है। और अपना जो लॉकर है इसमें जितने पैसे तो हमने डाल दिए, और अभी अपने पास कितने कैश हो चुका है? $593 हो चुके हैं, तो फटाफट से यहाँ से करते हैं इस वाली को बाय, ठीक है ये वाली है ना, हाँ तो इसको हम करते हैं यहाँ से कंफर्म। कंफर्म क्यों नहीं हो रहा? हो गया ठीक है, इसको कर देते हैं कंफर्म। और अपनी जो मशीन है वो आएगी कल, ठीक है कल अपनी जो मशीन है वो आ जाएगी मॉर्निंग में, तो बस हमें आज का वेट करना है, ठीक है आज अभी, वैसे तो अभी यार सुबह हो रही है, तो मुझे ना अभी वेट करना पड़ेगा, रात होएगी उसके बाद ही जाएंगे। जितने भी कपड़े हैं ना, जितने भी कपड़े आएंगे, आई थिंक 9 बजे तक हमें काम करना पड़ता है, ठीक है तब तक हम इधर उधर घूम सकते हैं या फिर नहीं। नहीं रात हो भी गई भाई साहब, जैसे मैं यहाँ पे आया और इससे आगे हम जा नहीं सकते फॉर रेंट। आई थिंक ये अपग्रेड होगा जब इसका अपडेट आएगा ना गेम का, तो वो वाली जो लोकेशन है ना साइड वाली वो भी ओपन हो सकती है। तो ये थे आज के लास्ट कपड़े, तो इसको रखते हैं इस वाले टेबल पे, इससे भी मिल चुके हमें $30। और अब बारी है यहाँ से सीधा जाने की अपने घर, ठीक है और अभी अपने पास $60 अभी भी अपने पास पड़े हैं, ठीक है। और अपने जो बस है वो आ चुकी है, फटाफट से निकलते अपने घर, और जैसी कल सुबह होएगी वैसी अपनी जो नई आर्केड मशीन है वो भी हमें मिल जाएगी। और आज की इनकम कितनी हुई? 66 आर्केड मशीन से 189 हमें मिली इससे, और फाइनली अपनी जो मशीन है वो डिलीवर हो चुकी है भाई। ये जो इनका ये है ना इंट्रो सा, ठीक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ये डिलीवरी करने का काफ़ी ज़्यादा सही है इनका। और ये मशीन भाई
उसमें तो नकली सी लग रही थी मुझे, लेकिन है काफ़ी ज़्यादा सही है। एम्प्टी स्लॉट है ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, और ये चल गई अपनी जगह पे। मुझे लग रहा था कि पुरानी सी दिखने में लग रही है। यू हैव रिसीव्ड अ न्यू चैट मैसेज, और देखो कचरा तो होएगा भाई, कचरा तो होएगा। जैसे अगला दिन स्टार्ट होता है दबा के कचरा हो जाता है। और फटाफट से अभी जो कपड़े हैं ठीक है, इनको हम निकाल के इस वाली मशीन में डाल देते हैं। ओके भाई सभी कपड़े, यार मुझे लग रहा था कि मैंने सारे जो कपड़े हैं ना उनको वॉश करके कस्टमर्स को दे भी दिया, लेकिन ये दो मशीन को मैं चेक करना ही भूल गया यार। अब इससे अपने को भाई बहुत ज़्यादा कम सिर्फ $5 मिलेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इधर भी जुराब पड़ी है, और यहाँ पे भी अपनी जो एक मिनट यार, मशीन तो आ चुकी है अपनी, लेकिन कबाड़ भी काफ़ी सारा हो चुके हैं। इन सबको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। अगर कबाड़ साफ़ नहीं करा तो भाई कस्टमर्स रेटिंग गिरा देंगे अपनी। किसका मैसेज आया अभी? अच्छा ठीक है, अपने डैड के मैसेज आ चुका है। हेलो एचली माई इसमें स्पाइस इन्फॉर्म में यू हैव वेंट बर्न द प्लेस डाउन येट, सीरियसली रोन क्या बोल रहे हैं? आई कीप आइडियाज, यू हैव टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, बट प्लीज़ नो लेआउट चेंजेस विदाउट अप्रूवल। क्यों भाई, हमारी मर्जी। अब ये जो शॉप है वो अपनी हो चुकी है, तो हमारी मर्जी भाई, हम चाहे जैसे मर्जी रखें, चाहे जितनी मशीन्स रखें। मैं तो भाई सोचूँ कि वो जो लॉन्ड्री का बिजनेस है ना वो बंद करके खाली आर्केड मशीन्स रख लूँगा। Oh no, you have the run numbers, you have beat the next level on Apple Crossing game, more likes। अबे यार एक मिनट रुको, इससे फटाफट से ना चैट करके हम बंद करते हैं ठीक है भाई। और देखो अपना रेवेन्यू बढ़ रहा है यार, अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, तो भाई दिक्कत कहाँ है अपने को। हम अपने हिसाब से जो अपना बिजनेस है ठीक है उसको चलाएंगे। तो गाइस अपने जो अभी चैट है वो हो चुकी है अपने डैड से, साथ ही साथ अपना जो एक फ्रेंड था ठीक है उससे भी हमें अभी हमारी बात हो रही थी। तो उसने हमें कहा कि अगर हम उसको $1000 पे करते हैं तो वो हमारे लिए एक तगड़ा सा रूम तैयार करेगा ठीक है, जिसमें हम काफ़ी सारे जो आर्केड मशीन्स है उसको रखेंगे, और उससे अपने को फिर पैसे भी काफ़ी सारे मिलेंगे। तो उसके लिए मुझे अभी $1000 इकट्ठे करने पड़ेंगे, और अभी अपने पास सिर्फ $65 हैं ठीक है। तो फटाफट से अभी काफ़ी सारा पैसे इकट्ठा करते हैं ठीक है, उसके बाद उसको हम $1000 पे करेंगे, और उसके बाद उस रूम में हम काफ़ी सारे जो आर्केड मशीन्स हैं ना उनको रखने वाले हैं। वैसे देखो अपने डैड से अपनी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा आर्केड मशीन्स पर ध्यान नहीं देना ठीक है, अपना जो मेन बिजनेस है ना लॉन्ड्री का ठीक है, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन हम इस पर नहीं, हम उल्टा करेंगे भाई, वो जो मशीन है ना आर्केड वाली, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, वहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यहाँ से कितना भाई, सिर्फ $20-30 हमें मिलते हैं, लेकिन वहाँ से तो ज़्यादा मिलते हैं ठीक है। तो उसका हमें देखना पड़ेगा, एक सेकंड इसको डालते हैं इसके अंदर सबसे पहले ठीक है, और यहाँ से मिल चुके हैं $30 भाई। सबसे बढ़िया तो काम यही है भाई, कूड़े फेंकने का, कूड़ा फेंको $30 कमा लो। और देखो यहाँ पे काफ़ी सारा और कचरा पड़ा है, तो इसको भी मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक और च्युइंग गम दिख चुकी है, तो फटाफट से इसको भी निकालते हैं, और इससे मिल चुके हैं कितने $20। ये फ्री के पैसे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं भाई। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक और है भाई साहब, इसको भी निकालना पड़ेगा। ओके एक दो, और यहाँ पे कितने मिले इससे, इससे $30, ये काफ़ी ज़्यादा सही है। और एक मिनट यार, ये कपड़े धुल चुके, तो फटाफट से इसको इसमें से निकालते हैं ठीक है। और मुझे ना अभी फटाफट से $1000 इकट्ठे करने हैं ठीक है, और उसके बाद अपने फ्रेंड को पे करेंगे, और वो जो रूम है ठीक है हम उससे तैयार करवाएंगे। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाकर फॉलो कर लो। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।